हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉक वाला पे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, तो कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि हम भी कोई भी आप लेटेस्ट स्टॉक के बारे में अपडेट लाए तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। आज हम बात करने जा रहे हैं MMTC शेयर के बारे में, जिसे हम मिनरल्स मेटल एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी काफ़ी बढ़िया दिख रही है और पिछले लास्ट दो महीनों में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट दिया है। शेयर होल्डर को पिछले लास्ट दो महीने में 40-50% के रिटर्न्स मिले और लास्ट वन ईयर की बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 90% तक के रिटर्न्स दिए। और ये शेयर ऐसे और आगे बढ़ेगा, जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि अब सब शॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। कंपनी में काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, तो कंपनी में देखा जाए तो अभी सब अच्छा हो रहा है। तो हम बात करेंगे आज MMTC शेयर के बारे में पूरा, क्या आगे क्या होने वाला है, हमें इसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी का अभी करंट मार्केट भी काफ़ी बढ़िया है, 8,000 करोड़ के ऊपर है, एलमोस्ट समझो 9,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस अभी 58.50 चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एक पेनी स्टॉक ही है जो बूम हुआ है, जो 52 वीक आप इसका लो देखोगे तो 26 रुपये के आसपास था, 52 वीक हाई देखो जाए तो 70 रुपये था। तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स तो दिया ही है और ये अभी 58 पे चल रही है, तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी क्योंकि कंपनी में अभी जैसे न्यूज आ रही लास्ट वीक भी ये जब मार्केट में बंद हुआ तो अपसाइड ही बंद हुआ है, तो यहाँ से कंपनी अच्छा खासा बढ़ेगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी जो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। MMTC इंडिया के टॉप 2 फॉरेन अर्नर में से कंपनी है ये, और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसके ब्रांचेस हमें सिंगापुर में भी देखने मिलते और इंडिया में भी काफ़ी ब्रांचेस है। तो एक ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंपनी के बारे में। कंपनी काफ़ी बढ़िया है और काम भी अच्छा खासा चल रही है। तो आगे हम बात करेंगे वीडियो में कि इसे हम बाय करें या ना करें और इसके टारगेट क्या होंगे, ये हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो काइंडली वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकें। फ्यूचर में क्या प्लानिंग होगी स्टॉक की, सभी बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में। कंपनी का मार्केट कैपिटल काफ़ी बढ़िया है और इस पर जो डेप्ट था कंपनी ने अभी धीरे धीरे रिड्यूस किया है, और जितना इसका डेप्ट था जिस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटल है वो एकदम ना बराबर है, एक तरह से हम इसे डेप्ट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। और कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपना डेप्ट रिड्यूस भी किया है, तो मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट में और अपने डेप्ट रिड्यूस कर रही, मतलब कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो हमें फ्यूचर के हिसाब से स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। तो कंपनी के बारे में हम देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनी 1963 की है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये फॉरेन ट्रेड में भी है जो मैंने आपको बोला, इसके सिंगापुर में भी काफ़ी ब्रांचेस है और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है मिनरल्स और मेटल, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी साथ में काम करती है। तो कंपनी के ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्ट जाते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, कोल, हाइड्रोकार्बन। सो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। MMTC का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका प्रमोटर होल्डिंग 2021 से 93 था, फिर थोड़ा 2% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की, लेकिन तब से लेके 2-3 सालों में 89% उनके पास ही है, मतलब किसी इतनी बड़ी कंपनी का 90% प्रमोटर होल्डिंग कंस्टेंट है, ये काफ़ी बढ़िया साइन है। और DIS के पास भी माल पड़ा है, FIS के पास भी 0.2% पड़ा है और DIS के पास ऑलमोस्ट 3% माल पड़ा है होल्डिंग का, और पब्लिक इसमें काफ़ी कम है 7.48। तो देखा जाए तो ये अच्छा साइन है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, तो ये अच्छा साइन है। कंपनी के और भी बढ़िया बढ़िया
पॉइंट्स है जो मैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी हैज रिड्यूस डेप, कंपनी ने रिड्यूस डेप किया है, ये भी अच्छे पॉइंट है। और आप पीयर कंपैरिजन में करोगे तो ये कंपनी फिफ्थ नंबर पे, अडानी एंटरप्राइज, मैनकाइंड फार्मा, रेडिंगटन एजेंसी और पाँच नंबर पे MMTC बोले तो इंडिया की पांच टॉप कंपनियों में आती है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। सेल्स भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा थे कंपनी के, उन्होंने उस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे कंपनी अब अच्छा खासा मूव कर रही है अप साइड की तरह। बाकी तो इसमें कुछ इतना खास देखने को मिल रहा नहीं है। सेल्स आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले बोला था थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कंपनी, लेकिन अब कंपनी बेहतर की तरफ बढ़ रही है और कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो कंपनी आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। कंपनी का रिजर्व भी देख सकते हो आप, जो माइनस में था अब वो 1200 करोड़ पे आ गया है और कंपनी का जो बोरोइंग था वो भी कम हुआ है और कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ भी अच्छी खासी पड़ी है। तो देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स अच्छे भी है, कुछ नेगेटिव भी है जिस पे अब कंपनी सुधार कर रही है। और मेरा तो पर्सनल ये व्यू है, ये कंपनी हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है, तो हमें ज़रूर इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कंपनी अभी करंटली तो 58 पे चल रही है और यहाँ से इसका पहला टारगेट 65 के आसपास होगा। अगर उसे क्रॉस कर ले तो ये 75, 85, 100 भी क्रॉस कर सकती है। कंपनी में जितने पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट्स तो देखो हर कंपनी में होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी बहुत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो कंपनी में प्रॉब्लम्स हुए थे वो भी अभी शॉर्ट आउट हो गए और गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट है और ये फॉरेन की अच्छी खासी कंपनी है जो इंडिया में इन गवर्नमेंट के साथ है। तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, तो हमें इसे स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कंपनी में अच्छे पॉइंट्स भी है काफ़ी, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर और किसी स्टॉक के बारे में आपको जानना है या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।